बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है हितेश मंडल। तारीख है 10 नवंबर 2023। समय हो गया है 11:16 AM। ये कुछ भारत में कुछ ऐसे चूतिए भी हैं, इनके आर्ग्यूमेंट सुनो। कहते भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो प्रधानमंत्री है वो हर कंपनी से पैसा लेता है। सेंट्रल विजिलेंस वाले भी सुनेंगे जरा ध्यान से। मुकेश ने बहुत पहले मेरे को एक बात कही, क्या तू मोदी के बारे में जानता है? मुकेश मेरा बड़ा भाई। मैं कहा क्या? कह रहा है हर कंपनी से पैसा लेता है, कंपनी से पैसा वसूलता है। मैं कहा अच्छा जी। बाद में जांच हुई, सही पाएगा। मोदी की क्या कहते हैं, मोदी की सरकार पे मुकेश की स्टेटमेंट सुनो। अब तो पता नहीं कहाँ द्वारका कोर्ट में, पता नहीं कहाँ चल रहा है, पोस्टिंग करा ली होगी ट्रांसफर। मुकेश कहता है तेरी भी कुछ कंपनियां हैं, ओम श्री साइनेट एडवर्टाइजिंग मेरी कंपनी थी और इनिशिएटर, कह रहा तू भी पैसे देने की तैयारी कर ले। मेरा कहने का मतलब ये था, तो मतलब मुकेश ये काम तेरे को मिला हुआ है मोदी के साथ मिलकर पैसा वसूलने को, तेरे को और सुमन को मिला हुआ, अम्मा को मिला हुआ है। मतलब सारे सरकारी डिपार्टमेंट जो बहन करोड़ तुमने अपनी माँ चुदवाने के लिए बनाए हैं, CBI है, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, सबका तुमने अपनी माँ चुदवाने के लिए बनाए हैं? सेंट्रल विजिलेंस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो मुकेश मंडल को बुला के। ये किशन पहलवान, हाँ मुकेश मंडल मेरा बड़ा भाई जो है, बुला के सेंट्रल विजिलेंस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो इस भोसड़ी वाले का। मतलब मोदी प्रधानमंत्री बन के आया, इनकी प्रधानमंत्री है तो क्या कहते पैसे नहीं वसूलेगा? बे भोसड़ी के तेरी गांड पे इतनी लाते मारूंगा ना, ये भैंड के लौड़े इनकम टैक्स और सेल टैक्स किस लिए हैं? इन्हीं का काम है बस पैसे वसूलना, और कोई कंपनी वसूल नहीं सकती है। ये प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय के विभाग नहीं है, राष्ट्रपति भवन के विभाग हैं, जिनको प्रधानमंत्री ने चलाना है। भोसड़ी के गांडू, गांड मरवा ली तूने आज अपनी? तू पक्का जेल जाएगा मुकेश, पक्का। सेंट्रल विजिलेंस, मेरा नाम पता है उनको, हितेश मंडल बात कर रहा है। ये मुकेश की ऑफिशियल स्टेटमेंट है मेरे लिए, इसलिए मेरा पैसा मुझ तक नहीं पहुंचेगा, पहले सारा मोदी लेके जाएगा। भाई भोसड़ी के गांडू, ये इनकम टैक्स और सेल टैक्स वाले किस लिए हैं? भारत के अंदर भारत की जनता हर जगह से पैसा वसूला जाता है। एक 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 कचौड़ी बेचने वाला भी इनकम टैक्स पे करता है। सेल टैक्स पता है क्यों बनाया जाता है? ताकि जो लोग इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं, जो लोग इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं, वो लोग सेल टैक्स के द्वारा जो है वो टैक्स दे दें। कई खरीदार ऐसे हैं जो इनकम टैक्स नहीं पे करते, नमक खरीदने गए उस पर सेल टैक्स लगा है ना, वो ले लिया गवर्नमेंट ने, इसलिए भोसड़ी के इनकम टैक्स की रेड नहीं होती हर घर में। IB वाले अलग चले गए पैसा वसूलने, दिल्ली पुलिस वाले अलग वसूल रहे हैं मोदी के लिए पैसा। पकड़ो इसे मुकेश मंडल को, भगना नहीं चाहिए। हाँ भाई, किसने कहा था तेरे को मोदी के नाम पे पैसा वसूलने के लिए? पकड़ बहन के लौड़ो को, सबको एक एक को। सेंट्रल विजिलेंस में मेरी टीम है, बिल्कुल है। ये भोसड़ी के अबे चूतिए गांडू, ये डिपार्टमेंट किस लिए बने? एक बाल साफ करने के 1 रुपए का शैंपू। ये एक और गंडमरी आ गई मरियम नवाज पैसे वसूलवाने यहां। बे भैंड की लोड़ी, यहां पे तेरी मां की चूत गुंडागर्दी नहीं चल रही, एक सिस्टम बना हुआ है।
बाल धोने के शैंपू पे भी सेल टैक्स है कि 1 रुपए की भी अगर एक व्यक्ति खरीद कर रहा है तो वो टैक्स दे दे, और कोई काम नहीं है, एक्स्ट्रा टैक्स नहीं वसूला जा सकता, गुंडा टैक्स नहीं वसूला जा सकता किसी भी तरह से। या बहन के लौड़े उनका गांड बनाने के लिए भोसड़ी का वोट दिया, इसको सिस्टम क्यों चलवा रहे हैं? मैं हितेश मंडल ऑफिशियल रिपोर्ट देता हूं, ये भोसड़ी का जो है ना मुकेश मंडल, ऑफिशियली गैर कानूनी और अवैध तरीके से वसूली कर रहा है मोदी के लिए, होगा इस बहन के लौड़ा का रिश्तेदार या जानकार। अरे गधे का बच्चा हरामी भोसड़ी का, अच्छा हुआ बहन के लौड़े भोसड़ी का तू मेरा सगा भाई नहीं है, अच्छा हुआ। ये बहन के लौड़े फिर केटे करें, ये तू तेरे पे कह रहा, मैं तो तुझे ये कह रहा था तेरी 2 कंपनियां मोदी को तुझे भी पैसे देने के, तेरी गांड पे लात मार के भोसड़ी का सीधा तिहाड़ भेजूंगा तुझे, समझा, बढ़ा दूंगा तेरा बहन के लौड़े 2 मिनट में ऋषि गैंग। वो बहन का लौड़ा मोदी किसान पहलवान ऋषि गैंग बैरन गैंग रेखा गैंग, हाँ ये बहन के लौड़े भोसड़ी के केला नटवर लाल, ये बहन के लौड़े इनसे तो तेरी माँ की चूत हरामी के बच्चे, तो भारत सरकार में ये राष्ट्रपति भवन में जो इतने डिपार्टमेंट बने ये गांड मराने के लिए बना रखे हैं? अरे भोसड़ी के रिश्वत खोर हराम के लौड़े, एक हराम जादी भाखी लौड़ी यहां पर पसर जाती है, तू तेरे पे पेंशन ले रही है सब ले रही है फिर भी देखिए हराम जादियों की हरकतें। मैं हूं डायरेक्टर जनरल रॉ, मेरे को इनकी ना शकल देखने की इच्छा नहीं करती। मेरे एक वो बहन का लौड़ा नेहरू रहा है रेनू रहा है, वो उसको कुत्ते का बच्चा उसका बहन का लौड़ा हंसदेव रवि, और मेरी शकल देखने की इच्छा नहीं, हरामजादों की सब माँ के लौड़े रिश्वत खोर बहन के लंडे, वैसी उसकी लौंडिया घर में बैठी हरामजादी भोसड़ी वाली मेरे नाम पे माँ की लौड़ी वहां से किस्त का पैसा उठा लाई और हरामजादी सब ले गई, और ऊपर से मेरे से कहती कमाता नहीं है। अमान और अक्कानी की किसका पैसा हरामजादे बहन के लौड़ा उठा कर लिया, वैसी लौंडा मेरा हरामजादा एक नंबर का, भोसड़ी का पागल वागल लेकर तू सौरे, बहुत बर्दाश्त कर ली मुकेश तेरी, और सुमन की भी और नेहरू राय की भी, बेकार उठा गए इन बहन के लौड़ों को। सेंट्रल विजिलेंस केंद्रीय सतर्कता आयोग हम सिर्फ राष्ट्रपति भवन को जवाब देना जरूरी समझते हैं, ऐसे कुत्ते बहन के लौड़े पता नहीं कितने ही पाल लेते हैं हम प्रधानमंत्री के नाम पे। ये भोसड़ी की इतनी हरामन औरत है ना घर के अंदर, बहन की लौड़ी अमान अकानी की किस्त खा गई वहां से किस्त उठा लाई, ये भोसड़ी का हरामी मेरा लौंडा भोसड़े कहां सीख रहा है ये सब शौर्य? जब तक ईमानदारी ना सीख ले घर में मत घुसियो भोसड़ी के। कह रहा विजिलेंस का बोर्ड गले में टांग ले, अरे हराम खोर कहीं के, हराम का मुंह लग गया ना हराम जादों के, कमाता नहीं है बहन की लौड़ी का, तेरी माँ का माँ की दोबारा शादी होनी हराम जादी रेनू राय की है? भोसड़ी के स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट इन हराम जादों के,
मैनेजर बन रहे बहन के लौड़े साले, छूटना नीचे कोई भी इनमें से। बहन का लौड़ा सेल टैक्स विजुअल और विजुअल जब भौसड़ी की आरामजादी रेनू रहा तेरी माँ की चूत, नाम पे पैसा वसूल रहे बहन के लौड़े। कंपनियां मेरी है बहन के लौड़े, भारत सरकार में इनकम टैक्स पहले दे चुका हूं राष्ट्रपति भवन को। आराम जादी को, इस मां की लोड़ी को, हाँ सुमन को, इसको पेंशन मिल रही है भोसड़ी वाली को, फिर बहन की लोड़ी दो नंबर की वसूली आराम जादी कहेंगी। साले भूखे नंगे कहीं के फिल्म नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस। इन बहन के लौड़ों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस ना करूं तो क्या करूं? इस मां की लौड़ी के साथ क्या करूं? नेहरू राय की लड़की के साथ? सिर्फ दो नंबर का धंधे है बहन की लौड़ी के, सिर्फ अवैध वसूली है। वही सीख के आई है मां की लौड़ी नेहरू राय से। 100 बार कह दिया मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इलाज करो यार इसका। सिर्फ दो नंबर का धंधे, सिर्फ दो नंबर का धंधे है इसके ऊपर। जो बहन की लड़ी सर पर चढ़ जा रही है, स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट का मेरा है। मैं कार्ड बना देगा मां बहन की लड़ी का, चार पाइप खींच के अपने आप मुंह बंद रखेगी घर में। मां ने रखा नहीं चाहिए, तेरा बाप कमा के रखा है यहां पे। अरे दोगली कहीं की, 100 बार समझा लिया तो बहन की लड़ी मुंह बंद रख, मुंह बंद रख अपना। वहां से पैसा उठा लाई अमान हक्कानी की किस्त के नाम का, मेरे 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 घर में मेरे नाम से किस्त उठा लाई है ये। सुमन यहां किस्त देकर जा रही है और कह रही है मेरे को मदद कर रही है। इतने आराम जा दे बहन के लौड़े। वही माछुद्वारी मरियम नवाज शरीफ, सेम केस रजिस्टर्ड कर इस पे भी, प्रीति रॉय पे भी और सौरभ पे भी सेम केस रजिस्टर्ड कर। ईबीएस कैश में पेमेंट उठा लिया इसने, 2 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़। अरे स्वरण तैयार कर इनके, मेरे जबरदस्त नहीं होती, मेरी तबीयत खराब होती है। देखो हराम का बहन करोड़ों को खाने की आदत पड़ गई है। ओसड़ी का 200 गाड़ियां, 600 गाड़ियां, मां के लोड़ेंगे मां की चूत। कर प्रीति मंडल पे भी केस रजिस्टर कर, सेम जो मरियम नवाज पे हुआ है। पूछ इसे अमान और रखाने की किस्त उठाई है, और शौर्य से पूछ। केस रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। भाई साहब किस्त उठा लाए हैं, घर में पैसा खर्च कर रही है भोसड़ी वाली, और बहन की लौड़ी मेरे को कह रही है पैसा कहाँ है। कंपनियां चीने आरामजादों को, सुमन यहां किस दे के जा रही है और दिमाग की उसकी सोच दे। 4.5 लाख करोड़, 26 लाख करोड़ किस दे तो आई मैं, 4,000 पे देखा है तो 4 लाख करोड़ नहीं हो गए। आराम जादी तो चप्पल से मार खाएगी भोसड़ी की, और तेरा कोई इलाज नहीं है अगर मेरे नाम पे हेरा फेरी करी तो। हाथ में चप्पल उठा ली ना बहन के लौंडा, सबको मारूंगा। क्या सुमन, क्या मुकेश, क्या प्रीति, क्या सौरे, भोसड़ी वालों, अगर मेरे नाम पे हेरा फेरी करी तो, अगर मेरे नाम पे हेरा फेरी करी ना, बता डोमेस्टिक वायलेंस कह रही यार ना, दिमाग खराब हो जाए मेरा, सब जानता हूं आग के आगे हो रहा है यार। धमकी दे रही है वो बहन का लोड़ा गोयल एजेंसी वाला, और सेल टैक्स में नेहरू राय और उससे गोपाल राय, गोपाल मंडल से कांटेक्ट कर रहा हरामजादा। कह रहा राशन में मैंने 10 रुपए छोड़ दिए ना, 10 लाख करोड़ पे हो गए वैल्यू गेम। अमान की और कानी की किस्त नहीं देंगे। बहन के लंडो दिमाग खराब हो गया ना, तो जैसे ऋषभ मारा था ना मैंने, चप्पल ही चप्पल दी थी,
भोसड़ी वाले ऐसे ही मारूंगा इसी घर में, तू भी सुन ले सुमन, कसम है मुझे प्रभु श्री राम की, समझ में आई? चप्पल ही चप्पल पड़ेगी बहन के लंडो तुम्हारे, अगर मेरे नाम पे हेरा फेरी करी तो। बस तू इस उम्र में यही चाह रही है, बहन का लौड़ा वहां वो भोसड़ी का मधुर मंडल हाकिम मंडल, मां के लौड़ा अगर हाथ में चप्पल आ गई ना तो शुरुआत तुम्हारे से ही होगी, तुम्हारे से ही होगी भोसड़ी वालों। और मैं स्लिप लिप नहीं करूंगा, मैं सीधा धर दूंगा बहन के लंडो। बता यार वो बहन के लौड़े अकानी की किस्त ना दे करके, यार मुझे ना पता भी नहीं कहाँ से कौन कहाँ से पैसा उठाया, मेरी एक क्या 1,00,000 कंपनी है, वो बाद में पता चला अकानी से पैसा उठा लिया ब्याज पे, या आ करके बच्चों को दीपावली का पैसा देने के बहाने कह रही है अकानी की किस्त देने आई थी, सुमन कह रही है, ये हेरा फेरी नहीं है, सुमन की बात कर रहा हूं, सुमन मंडल, सुरेश मंडल की बीबी, मकान का पैसा दे दिया कैश दे दिया मैंने गाना बेच के, भोसड़ी वाला फिर अपनी मां चुदवाने को राजी बैठा है, हराम जादे सरेआम मारूंगा चप्पल से जैसे ऋषभ पिटा था, तो दोबारा मेरे नाम पे हेरा फेरी करी तो। और तू भी सुन ले, बस यही रह गया तुम्हारी किस्मत में, कसम श्री राम की खा के कह रहा हूं मेरे नाम पे हेरा फेरी करी तो ठीक बात नहीं होगी, बस मांग में अमान और हक्कानी का पैसा देने आई इस घर में, कह रही ऑफिस जाऊं, सुमन कह रही है कि ऑफिस जाऊं चाहे ऊपर वाले रूम में चले जाऊं, अमान का ही तो ऑफिस है, अब मुझे बता नहीं रही है प्रीति कि कितना पैसा सुमन दे के गई, आपस में खेल रहे भोसड़ी के, अब की से आए ना वहां चप्पल, और पीएस कहां है मेरी, चप्पल निकाली और पैर से दिया बहन की लौड़ी के, कम से कम 50 चप्पल दे दियो, अरे सरामजादी के भी दियो, अपने आप हेरा फेरी करना भूल जाएंगे, पैसा ले ली सुमन से, कह रही हक्कानी की पेमेंट आ गई, भोसड़ी वाला तू भी पिटेगा सॉरे, याद रखियो अगर मेरे नाम पे हेरा फेरी करी तो, भोसड़ी का जहां से किस्त उठाए यहां ला के रख टेबल पे, और नहीं तो उतनी ही किस्मत में तुम्हारे चप्पल लिख दूंगा, स्लिप नहीं सीधा ही मारूंगा हरामजादे, और वहीं मारूंगा मुकेश तुझे भी अदालत में, वहीं मारूंगा भोसड़ी के जज के सामने कुर्सी से उतार कर चप्पल ही चप्पल पड़ेगी तेरे, बता कितना हरामी किस्म के भोसड़ी के साले 420 लोग हैं, इस उम्र में सुमन की सोच देगी बैठ के थोड़ी भोसड़ी वाली जाली आराम जादी 420 औरत बैठ के लौड़े यहां आ रही कह रही अमान के ऑफिस जा रही, और बच्चों को जो है 1,000-2,000 रुपए दे गई तो 2,000,00,000 करोड़ दे गई है वहां लिखवा रही, ये रेनू राय कर रही बहन की लौड़ी, और रेलवे इसकी कैसे है, बच्चों को जाने का टिकट का पैसा हम दिए, रंडी रंडी तेरी बहन चोदूंगा मैं मां की लोड़ी, बहुत दिमाग खराब है मेरा, मैं सब जानता हूं तुम सबके बारे में सब, चप्पल ही चप्पल पड़नी है तुम्हारे बहन के लौड़ो, और सरे हम मारेंगे, पिछली बार मारा था ना वैरायटी चौक पे, मैंने पिटवाया था तुझे भोसड़ी वाली रेनू राय को, और ये मां की लोड़ी पिटी थी, मैं नहीं बोला था अब मारिस बहन की लोड़ी को, अब फिर मारूंगा वो बहन की लोड़ी बता रहा हूं, पर मेरे नाम से हेरा फेरी करी, जितना पैसा इस घर में आता है कहीं से भी लाएगी यहां टेबल पर रख, चुपचाप जो है ना गांड में बत्ती मत बना लिया कर, प्रीति मंडल चेतावनी दे रहा हूं तुझे, तो सरे हम मारेंगे तुझे वहीं पे बीच रोड पे ही, अगर भोसड़ी की पैसे की हेरा फेरी करी तो, हाँ लेना है कह के 1,00,000 करोड़ है 1 रुपया है 10 रुपया ले ले, झूठ नहीं डोमेस्टिक वायलेंस और बीबी पंती नहीं, पैसा लिया है सरामजादी ने बिल्कुल लिया है, बना दूंगा बहन के लौड़ों का सीबीआई और आईबी और रॉ एक ही बार में, सुन ले वे भोसड़ी के शौर्य तेरे और तेरे यार दोस्त याद रखियो,
एग्जाम्पल नजारा शो कर चुका हूं ऋषभ, नजारा शो कर चुका हूं ऋषभ, तुम सबको चेतावनी दे रहा हूं। डोमेस्टिक वॉलेंस, इस बैंड के लौड़ों ने क्या करा, शुरुआत में अमान से पैसा उठाने के साथ आके यहां घर पे हमला कर दिया। अब तो कंपनी आ गई हाथ में अमान और अक्कानी, वहीं पिटेगा अमान, वहीं पिटेगा अक्कानी में भी, समझ में आई। बहन की लोड़ी बिहार में ना, वहीं मारूंगा चप्पल ही चप्पल पड़ेगी तेरे, ढूंढ कहां है सुमन। इसके मैं बताता हूं तेरा, बहन की लोड़ी मरियम नवाज का भी इलाज है, इन सबका बहन के लंडों का इलाज है। अरे दो गले हरामी कहीं के, मैं यार बिजनेस वालों को कह रहा यार, तुम मेरे कहमन तुम्हें पता नहीं है मैं कितना बड़ा खून का घूट पी के बैठा हूं। मैं ये सब काम नहीं करता भाई, जिसका पैसा भी लग भी तेरा पैसा है। बैंड के लौड़े वहां अक्कानी की किस देने के बहाने मेरे यहाँ आ रहे हैं, मालिक मैं हूं अमान और अक्कानी का। हाँ 4 लाख करोड़ रुपया जो आए, 2 लाख करोड़ रुपया, इस उम्र में तो चप्पल से ही मार खाएगी भोसड़ी वाली, और कुछ नहीं है, समझ में आ गई। बहन के लौड़ो बस तुम्हारे लिए यही वीडियो रह गई थी एक, आज तुमने ये काम भी मेरे से करवा ही दिया, ठीक है, आज तुमने मुझसे ये काम भी करवा ही दिया। तुम बहन के लौड़ों ने ना मेरे से वो कहलवा दिया जो मैं कहना नहीं चाह रहा था। बहन की लोड़ी सुमन अम्मा, तेरी माँ की छूत बहन की लोड़ी अगर हेरा फेरी करी ना मेरी कंपनी या पैसे में, सर यहां मारूंगा चप्पल से तुझे। बहन की लोड़ी कसम है मुझे प्रभु श्री राम की, दोगला पंथी नहीं चलेगी बहन की लोड़ी, सारी फिल्म की शूटिंग निपटा दूंगा मैं, बढ़ा दूंगा तेरा मदर इंडिया, समझ में आ गई, बढ़ा दूंगा तेरा मदर इंडिया। बहन की लोड़ी मेरा बहुत दिमाग खराब है, तेरी और तेरी बहू पे, और माँ की लोड़ी तू भी पीटेगी बबली, तू अपने बाइक वालों को समझा ले, आराम जादों को रंडी रंडी की औलादों को। आज वो काम तुमने मेरे से करा दिया जो मैं करा नहीं चाह रहा था, पहले भी कई वीडियो बनी मैंने डिलीट कर दी थी, पर यह वीडियो अपलोड होगी। मैं बहन के लंडो रंडी के बीच हूं, तो मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, मैं कसम श्री राम की खा के कह रहा हूं, सर आम मारूंगा बहन के लड़ो चप्पल से। डोमेस्टिक वॉयलेंस मैं दिखाऊंगा कहते किसे, ये बहन के लौड़ा ये कर रहे हैं सर, दिल्ली पुलिस वालों ये काम कर रहे हैं सर, ये सर पैसा कमाई तो रहा हूं, इनडायरेक्टली बहन के लौड़े मेरे नाम से पैसा प्रीति को दे रहे हैं 2000-4000। रेलवे अब रेणु राय की और मुकेश मंडल की हो गई, क्योंकि जो है क्या कहते हैं सौरभ क्रूज लाइनर हो गए, क्योंकि सुमन उसको बिहार जाने का पैसा दे रही है, लेके जा रही है पोते को। भोसड़ी वाले तेरी माँ की छूत बहन के लौड़े सौर्य कूड़ा उठाएगा रोड पे, मैं बता रहा हूं कसम है श्री राम की, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, मैंने इसलिए तुझे आई बी में भेजा है, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं, समझा। भोसड़ी वाले इनके साथ तू भी भीख मांगेगा, मैं पहले बोल दे रहा हूं, आज तुमने वो काम करवा दिया जो मैं नहीं करना चाह रहा था। और ये शुरुआत है,